आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में और हाजिर हूँ आप सभी के बीच हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड बज को लेकर। जैसा कि आप भी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम हमेशा से ही बी टाउन के स्टार्स को लेकर बात करते आए हैं, लेकिन आज हम आपको बता दें आज की खबर। सबसे पहली खबर ये है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के कैंसर को लेकर जितनी ज़्यादा चर्चा आ रही है उतनी ही ज़्यादा जो एक्टर और एक्ट्रेस अब तक सोनाली को विशेष देने में पीछे है उन्हें लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सोनाली के साथ पर्दे पर नजर आ चुकी फिल्म हम साथ साथ है में उनके साथ काम कर चुकी करिश्मा कपूर का भी नाम जुड़ा है। नाम जुड़ा है सैफ अली खान का, नाम जुड़ा है सलमान खान का, जिन्होंने करिश्मा के साथ इस फिल्म में काम किया। हम साथ साथ है में साथ साथ काम किया, एक दूसरे पर प्यार लुटाया, सिल्वर स्क्रीन पर जिनकी जोड़ी बेहतरीन बनी रही, जिनकी बॉन्डिंग सबसे ज़बरदस्त बॉन्डिंग साबित हुई आज की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। आज भी जिस फिल्म का नाम दिया जाता है 90 के दशक गुजरे जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस में सोनाली बेंद्रे का नाम यूं ही नहीं लिया जाता। इसके बावजूद उनकी जो दर्दनाक स्थिति है, जो हालत उनकी अभी फिलहाल बिल्कुल सही नहीं है, इस मौके पर तमाम सितारे एक तरफ जहां उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा कपूर से लेकर सैफ अली खान से लेकर सलमान भी ऐसे एक्टर्स में से हैं जो अपनी नजरें चुरा रहे हैं, नजरें छुपा रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दें किस तरह करिश्मा कपूर को लेकर तमाम खबरें हैं, जो कि अपने रूममेट बॉयफ्रेंड संदीप तोशनीवाल के साथ वक्त गुजारने को लेकर भी चर्चा में रही हैं। वो करिश्मा कपूर जो अपनी बहन करीना कपूर खान को लेकर खुल्लम खुल्ला हमेशा से ही बात करती आई है, वो करिश्मा जो फिल्मों के मामले में हॉलीवुड फिल्म से लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भी कई फिल्मों का नाम लेती है इमोशनल होने को लेकर। आखिर इतनी इमोशनल होने वाली करिश्मा क्यों सोनाली के बारे में कुछ भी नहीं कह पाई है अब तक, इसका इंतजार सभी को है जानने का। तब तक के लिए ये हम जानेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन तब तक के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट्स करिश्मा कपूर से जुड़ी हुई, उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई, साथ में सोनाली बेंद्रे से जुड़ी हुई। इस बात में कोई शक नहीं कि बॉलीवुड की चुलबुली गर्ल सोनाली बेंद्रे के हाई ग्रेड कैंसर से आज पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी परेशान है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री दुआएं कर रही है कि सोनाली जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस मुंबई लौट आए न्यूयॉर्क से। लेकिन क्या आपको पता है सोनाली बेंद्रे के लास्ट स्टेज कैंसर के बारे में? जो खबर अब तक आई है वो ये है कि फोर्थ स्टेज कैंसर से जूझ रही है सोनाली बेंद्रे। इस वक्त क्या होता है इसके बारे में एक्सपर्ट्स की माने तो, जी हाँ एक्सपर्ट्स की माने तो सोनाली बेंद्रे को हुए कैंसर के बारे में उनका ये कहना है कि लास्ट स्टेज कैंसर पर कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो शरीर के पार्ट से सीधा बोन तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य इतनी ज़्यादा तेज़ से बिगड़ती है कि उसे रोकना नामुमकिन सा होने लगता है। मतलब लास्ट स्टेज कैंसर से निजात पाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की तैयारी कर ली जाए और सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट लेने में बिल्कुल देर ना की जाए। मतलब हड्डियों तक कैंसर पहुंचे उससे पहले कैंसर को जड़ से मिटा दिया जाए, जिसके लिए केमोथेरेपी लिया जाता है। जी हाँ आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर यूं तो सोशल मीडिया से हमेशा ही जुड़ी रहती है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के पन्नों में, वेबसाइट से लेकर ब्रॉडकास्ट तक, हर जगह अगर किसी एक्ट्रेस का नाम शुमार है तो वो है सोनाली बेंद्रे का, जिनकी बीमारी से आज पूरी दुनिया ही अफसोस जता रही है। जिनकी बीमारी का सच जानने के बाद करोड़ों करोड़ों फैंस उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। जी हाँ हाई ग्रेड कैंसर से जूझती हुई सोनाली बेंद्रे फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है और ऐसे में सोनाली बेंद्रे का साथ देने के बजाय उनके लिए ढेरों सारे मैसेजेस शेयर करने के बजाय करिश्मा कपूर सोशल मीडिया से दूर है, जिसकी वजह से लोग सवाल खड़े कर रहे हैं लोलो यानी कि करिश्मा कपूर की इन हरकतों पर। क्या वाकई में करिश्मा अनजाने में ही सही लेकिन भूल कर बैठी है सोनाली के लिए दुआएं करने के बजाय अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होकर? क्या वाकई में हम साथ साथ है में सोनाली के साथ काम कर चुकी करिश्मा के साथ
उनके को स्टार रह चुके नवाब सैफ अली खान भी अपना मुंह छुपा रहे हैं। ये सब जानना काफी हैरान करने वाली, अफसोस करने वाली बात है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चर्चा बॉलीवुड में हो रही है। बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करिश्मा कपूर आज भी अपने एक्स हस्बैंड को याद कर कहीं ना कहीं इमोशनल होती है। इसका खुलासा तब हुआ जब आखिरी बार करिश्मा अपने बच्चों को लेने कियान और समायरा कपूर को लेने के लिए एक्स हस्बैंड संजय कपूर के घर पहुंची थी। वहां संजय उन्हें बाहर तक छोड़ने तो आए थे, लेकिन घर से धक्का मारते हुए करिश्मा को संजय ने बड़ी ही आलिशान ढंग से उन्हें विदा किया था। बता दें आपको, खबरें ये तक आई थी कि करिश्मा कपूर उस वक्त काफी इमोशनल हुई थी अपने एक्स हस्बैंड के बिहेवियर से। तो वहीं बताते चले आपको, आखिरी बार करिश्मा कपूर काफी ज्यादा रोई थी जब उन्होंने फिल्म द मैनचेस्टर बाय द सी देखी थी। इस बारे में उन्होंने खुलासा किया था, बीते साल हुए एक इवेंट के दौरान जब नीरज ब्रांड को प्रमोट करती नजर आई थी वो इंटरव्यू देती। ये आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड में हमेशा से ही रूमर रिलेशन में नाम तमाम बॉलीवुड सितारों का जुड़ा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, शादी से पहले ही दोनों के रिलेशन को लेकर जब खबर आती है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो बॉलीवुड सितारे और भी ज्यादा खुश होते हैं। वेल, इस लिस्ट में नाम शुमार है बॉलीवुड की लोलो यानी की करिश्मा कपूर का। हाल ही में करिश्मा कपूर एक वायरल वीडियो में नजर आए इस बात को स्वीकारते हुए कि उनके रूमर्स को लेकर वो काफी खुश होती हैं। वो उन्हीं से जुड़े कुछ रूमर्स ऐसे फैल जाते हैं जिससे वो काफी एक्साइटेड होती हैं। जी हाँ, करिश्मा स्टारडोम मेंटेन करने के लिए जो हमेशा ग्लैमरस नजर आई है, उन्हें पब्लिसिटी मिलने पर उन्हें काफी खुशी होती है। इन दिनों करिश्मा की शादी को लेकर, दूसरी शादी को लेकर जो रूमर खबरें आ रही है उससे भी करिश्मा इनकार नहीं करती। मतलब उनके रूमर बॉयफ्रेंड कहलाने वाले बिजनेसमैन संदीप निवाल के साथ रिश्ते को जो नाम दे दिया गया है पति पत्नी का। दोनों की गुपचुप शादी की सच्चाई तो सामने नहीं आई, लेकिन दोनों ने दूसरी शादी करने की प्लानिंग बनाई है या नहीं, करिश्मा कपूर ने खुशखबरी दी है कि उन्हें इस रूमर से कोई भी तकलीफ नहीं। बॉलीवुड की बेबो यानी कि करीना कपूर खान करिश्मा कपूर को लेकर अपनी बहन, अपनी फेवरेट बहन, बॉलीवुड इंडस्ट्री की लोलो कहलाने वाली करिश्मा कपूर को लेकर फिर चाहे कभी बात करती हो या ना करती हो, लड़ाई झगड़े पर वो हमेशा करिश्मा की तारीफ करती है। करीना की माने तो करिश्मा उनके लिए एक माँ से कम नहीं, एक माँ की तरह करिश्मा ने करीना का ख्याल रखा है। इससे हमेशा करीना ने हामी भरी है और इस बात को हमेशा स्वीकारा है। लेकिन क्या आपको पता है, जो दो बहनों की लड़ाई होती है बिल्लियों वाली, वो लड़ाई करिश्मा और करीना के बीच भी हो चुकी है। इसका खुलासा तब हुआ जब नीरज ब्रांड के एक इवेंट के दौरान करिश्मा नजर आए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए, और इस दौरान करिश्मा ने इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया करिश्मा से उनकी लड़ाई आखिरी बार कब हुई थी, इस पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहेंगी। मतलब करीना और करिश्मा जो फिल्म इंडस्ट्री में अब भी बड़े नाम कहलाते हैं, जो करिश्मा फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो चुकी है, वो करिश्मा अब भी अपनी बहन के साथ लड़ाई झगड़े की बातों को स्वीकारती हैं। बता दें आपको, करिश्मा की जगह करीना कपूर को एक फिल्म में लिया गया था जिसमें अभिषेक बच्चन साथ नजर आए थे उनके। इससे पहले करिश्मा कपूर को उनके लिए चुना गया था, लेकिन बाद में भी करीना अभिषेक बच्चन के साथ नजर आई थी। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड बज़, जिसमें हमने आपको बताया बीट ऑन में बर्स क्रिएट करने वाली खबरों के बारे में, जिसमें नाम हमने आपको बताया सबसे पहले बॉलीवुड की बिंदास रहने वाली, मस्त रहने वाली एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे। भले ही फिलहाल अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सही करने के लिए देश नहीं बल्कि विदेश में दर दर की ठोकरें खा रही है, अस्पताल में पीड़ा से गुजर रही है, कैंसर जैसे घातक बीमारी से लड़ रही है, उनके साथ पूरी दुनिया खड़ी है, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है, तमाम सितारे खड़े हैं, करोड़ों करोड़ों फैंस खड़े हैं। लेकिन करिश्मा कपूर अब तक सोनाली को लेकर इमोशनल मैसेज शेयर नहीं कर पाई है, जिसका इंतजार है हमें, उम्मीद है हमें कि करिश्मा जल्द से जल्द कुछ और पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपने इमोशनल फीलिंग को साझा करें, सोनाली के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को साझा करें, ये बता सके कि सोनाली जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है उतनी ही ज़्यादा बेहतरीन एक्ट्रेस है, जिनके साथ दुआएं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की नहीं बल्कि खुद करिश्मा कपूर की भी है, जिसका इंतज़ार है हमें। लेकिन हाँ, अब वक्त आ चला है आज इस प्रोग्राम का यहीं दी एंड करने का। आज के लिए इतना ही, लौटेंगे फिर आप सभी के बीच
इसी तरह से बी टाउन की एक्ट्रेसेस की लाइफ को लेकर बी टाउन के सितारों की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराने के लिए आज करिश्मा कपूर से जुड़ी खबर हमने आपको दी। उनकी जिंदगी में चल रहे कुछ खबरों के बारे में हमने आपको बताया, क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में ये भी आपको बताया। अब दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।